गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया जे.जे. थॉमसन मॉडल के बाद, रदरफोर्ड कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल एंड इस मॉडल ने जे.जे. थॉमसन मॉडल के अंदर क्या कुछ लिमिटेशंस रही उनके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली हम बात करने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड कोल्ड फॉयल मॉडल का किस टाइप का अरेंजमेंट था और उन्होंने किस टाइप से इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया। क्लियर? तो ध्यान रखना है बच्चे कि जो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि उन्होंने एक गोल्ड की एक फॉयल ली, गोल्ड की एक बिल्कुल थिन सी फॉयल ली, और यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो कि दिस वन इज सोर्स, एक सोर्स है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कॉन्टीन्यूसली अमिट कर रहा है, मीन्स अल्फा पार्टिकल्स को कॉन्टीन्यूसली अमिट कर रहा है। ओके, तो आपने ध्यान रखना है बेटा कि फर्स्टली आप सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि वॉट इज अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं दैट आर द हीलियम न्यूक्लियस, तो बच्चे कि हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं जिनके ऊपर कुछ इस टाइप का उनका असाइन होता है कि हीलियम एटम लोगे इट हैविंग द एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 और इसके ऊपर टोटली प्लस 2 चार्ज होता है, मीन्स इसके जो हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको निकाल लेते हैं और ये कम्प्लीटली एक हीलियम का न्यूक्लियस यहाँ पर रह जाता है। तो दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्लियर? तो हीलियम पार्टिकल कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल्स, तो दिस सोर्स कॉन्टीन्यूसली अमिट द अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे एक लेड का बॉक्स लगाया गया इसके अराउंड, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो सोर्स था इसके अराउंड एक लेड का बॉक्स लगाया गया ताकि ये अल्फा पार्टिकल अनदर डायरेक्शन के अंदर डेविएट ना हो सके। ओके, इसके बाद हुआ क्या कि इन अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल के ऊपर कॉन्टीन्यूसली फॉल किया गया और यहाँ पे बाहर आप देख रहे हो और इस बाहर यहाँ पे हमने एक जिंक का डिटेक्टर लगाया, जिंक की एक प्लेट लगा दी गई और ये प्लेट बता रही है हमारे को, डिटेक्ट करेगी कि किस टाइप से अल्फा पार्टिकल की इस प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व हो रहे हैं। ओके, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हो कि दीज आर द थिन गोल्ड फॉइल्स और यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल को अमिट करेंगे और ये वाली एक जिंक प्लेट है जो कि अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा जो भी जो हमारे साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे, उन रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या कुछ ऑब्जर्व किया, तो आप देखना है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को, इस स्क्रीन के ऊपर इस कंप्लीट फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है कि आप देख रहे हो कि दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दीज लाइन्स आर द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो फर्स्टली क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिस थ्रू दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशंस, मींस बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के सीधे निकल जाते हैं और हमारे को इस जिंक प्लेट के ऊपर डेविएट, जिंक प्लेट के ऊपर हमारे को ऑब्जर्व हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देखने को मिला कि देयर आर स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स थे जो कि एट स्मॉल एंगल के ऊपर डेविएट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि दो लाइन्स इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के ऊपर डेविएट हो रहे हैं। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो ऑब्जर्व किया गया कि एट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल, और ये बात भी देखिए कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली वन सिंगल अल्फा पार्टिकल्स डेविएट कम बैक टू ऑन द सेम डायरेक्शंस, मीन्स 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल्स उसी सेम डायरेक्शन के अंदर बैक आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ें टोटली ऑब्जर्व की गई हमारे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स बेटा पासिस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, स्मॉल पार्टिकल्स डेविएट एट अ स्मॉल एंगल्स एंड अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स कम बैक ऑन एट द सेम डायरेक्शन, ये बातें बेटा जी हमारे को ऑब्जर्व हुई। ठीक है, इन बातों को आपने अच्छे से नोट करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो हमने यहाँ पे बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लेने, जो बातें मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको ये कम्प्लीटली नोट की गई हैं। क्लियर? बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो रिजल्ट आया इस एक्सपेरिमेंट का, जो कम्प्लीट रिजल्ट हमारे को मिला वो क्या था, हमने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, इट मीन्स जो हमारा एटम होता है वो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट वो क्या है, एम्प्टी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला हमारे को किसी भी एटम के बारे में कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो क्या है जी, एम्प्टी है। और इसके बाद आपने देखा कि स्मॉल पार्टिकल डेविएट एट अ स्मॉल एंगल्स, बहुत कम पार्टिकल छोटे एंगल के ऊपर डेविएट हो रहे हैं,
यू नो अल्फा पार्टिकल हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स दिस पार्टिकल्स आर डेविएट एट अ स्मॉल एंगल, सो दैट कि आपके एटम के अंदर जो हमारा जो एटम हमने कंसीडर किया है उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। देयरफॉर ये पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस के कारण ही यहाँ पे स्मॉल डेविएशन हमारे को ऑब्जर्व हो रही है। क्लियर? तो यहाँ से हमारे को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला कि एटम के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर, एक स्मॉल अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो हमने नेक्स्ट ऑब्जर्व किया गया, हमने लास्ट जो ऑब्जर्वेशन देखी वो ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत कम पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल में सिंगल पार्टिकल आपका बैक आ रहा है। तो यहाँ से हमारे को क्लियर हुआ, ये हुआ कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, और इसी स्मॉल क्वांटिटी को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। ओके, तो ध्यान रखना है बच्चे, इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट कीजिए आप। तो यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो न्यूक्लियस हैविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक हैवी सब्सटेंस होता है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस टाइप से आपने दोनों को, रदरफोर्ड मॉडल को और जे जे थॉमसन मॉडल को, दोनों को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद देखना है कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला गया और हमारे जो जे जे थॉमसन मॉडल ने क्या कुछ बताया गया। ओके, थैंक यू।